वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं फॉर्च्यूनर। तो विमी भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ क्या हाल है? बहुत बढ़िया। विमी भैया क्या करने वाले हो इस फॉर्च्यूनर के अंदर? यार इसको लेजेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं टाइप 2 को। लेजेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं टाइप 2 को। वो पीछे खड़ी है जो वॉल पे वो पूरी हमने कन्वर्ट करी है भाई, वो हो चुकी है बहुत जल्द इसकी पूरी वीडियो। और एक ये सामने एक और हमारे पास गाड़ी आई है जयपुर से आई है RJ14। जयपुर से गाड़ी आई है भैया, क्या क्या इसमें चेंजेस रहेंगे गाड़ी के अंदर? सारी चेंज हो जाएंगी। फ्रंट में क्या क्या जाएगा? एक तो उसका बम्पर तो गया, सब कुछ चेंज, ग्रिल सारा कुछ A to Z चेंज, ये भी गया, बोनट भी, फेंडर भी, ये फेंडर लाइन जो बनी है ये भी हटेगी पूरी, ठीक 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 वो पतली वाली जो होती है, ठीक है। तो अच्छा भैया एक बात बताओ, जो इस साइड मिरर भी चेंज हो जाएंगे, रूफ रेल भी चेंज करेंगे, ठीक है, रूफ रेल्स भी चेंज होगी, साइड की ग्लाइडिंग भी चेंज, ये ग्लाइडिंग बहुत मोटी है ना, ये हटेगी पूरी यहां से, स्टेपर भी चेंज होंगे, जैसे टूटे हुए सारे हां खराब हो रहे हैं, लगेंगे सेम यही वाले बट चेंज होके लगेंगे, मतलब नए लगेंगे। और रियर प्रोफाइल पे आए तो इसकी रियर भी जेंडर वाली बनेगी पूरी, टेल लैंप जेंडर वाली, ये लाइट वाला लोगो लगेगा इसमें, ठीक 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 लाइट वाला लोगो भी आएगा इसके अंदर। चलो तो मतलब पीछे से पूरी टेल लैंप हो गया, पीछे बम्पर वम्पर सब कुछ चेंज हो गया यार, A to Z सारा कुछ, फर्क आ जाएगा बहुत ज्यादा, नहीं लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा भी एक बात बताओ, इंटीरियर भी कुछ कर रहे हो? इंटीरियर सारा कस्टमाइज कर रहे हैं यार। इंटीरियर भी कस्टमाइज करोगे बड़ा सारा? ओ उसके तो डोर डैम्पिंग होगी भी इसमें, अभी ऑडियो की बातचीत चल रही है, चल रही है। अच्छा बाकी इंटीरियर तो सारा कस्टमाइज होना है, ड्यूल टोन में, डुअल टोन में इंटीरियर सारा कस्टमाइज होगा। ये सीट भी आपने पहले की है? पहले की है, देखो ना फटी हुई है सारी, चेंज होनी है। अच्छा सीटें नहीं बनी है सारी यार, नहीं बन रही, सीटें फटी हुई है, ये भी पूरी सीटें चेंज होनी है। ये डैशबोर्ड ही बाहर आ रहा है इसका? सब बाहर आ चुका है, खुला। अच्छा मतलब ये रूफ भी निकल गई है पूरी, मतलब एमएल लाइट ये वो सब होना, सारा कुछ होना है इसके अंदर, मतलब A to Z सारा ही काम होगा। मतलब इंटीरियर देख लो भाई अभी कैसी किस हालत में है, अभी ये पूरे का पूरा भैया जो है इसको कर देंगे इसी का है ब्लड, स्टीयरिंग भी लगाएंगे हम, स्टीयरिंग भी न्यू शेप का स्टीयरिंग भी आएगा इसके अंदर भाई, देख लो फ्लूट वाला स्टीयरिंग व्हील भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। भैया कितना टाइम लगाने वाले हो इस गाड़ी के अंदर आप? ऑलमोस्ट 1 महीना, ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाएगा पूरा इस गाड़ी को रेडी करने में, ठीक है। अच्छा साइड में राइट में सब कुछ तो चेंज हो ही रहे हैं, और ये भी आप बना रहे हो पूरी सेम? ये भी बनेगी सेम, यही बनेगी, मतलब दोनों अलग अलग देखने के लिए मिलेगी। हाँ यार ये ग्वालियर की गाड़ी है, इन्होंने परचेज दिल्ली से करी है। अच्छा ग्वालियर जा रही है? अच्छा फिर कभी हमारे पहले मॉडिफिकेशन होगी। अच्छा 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 लेजेंडर में कन्वर्ट होगी उसके बाद जाएगी। चलो तो भाई ये है हमारी गाड़ी, देख लो आज की डेट में ये अभी ऐसी नजर आ रही है, कुछ राजस्थानी गाड़ी है। अभी आगे आगे आपको जो है पूरा का पूरा इस पर जो है पता लगेगा कितने चेंजेस आए कितने नहीं आए, और जो भी चीज चेंज होगी बाद में आपको पूरा डिटेल में।
भाई ये फॉर्चुनर ना ये लगा लो, मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कब शूट की थी बिफोर, लेकिन आप लोगों ने देख ली होगी ठीक है। तो ये फॉर्चुनर अब हो गई है पूरी तरह से कम्प्लीटली रेडी, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी गाड़ी बम्पर टू बम्पर आई। तो भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया यार, आप बताओ करो क्या हाल है? बहुत बढ़िया भैया, गाड़ी अपनी पूरी तरह हो गई है कम्प्लीट। हाँ जी बिल्कुल कम्प्लीट है। तो विवेक कितना टाइम लग गया इसको रेडी करने में? यार महीने से डेढ़ महीना लग जाता है। महीने से डेढ़ महीना लगा था, इवन मैं भी भूल जाता हूँ कि मैंने शूट कर रखी है। सही बताओ तो वो तो गाड़ी के नंबर से पता लगा था कि हाँ ये गाड़ी शूट कर रखी है। हम भी सेव करके रखते भाई कौन सी गाड़ी किसकी। ये भी सही बात है। अच्छा हाँ सही में, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ होती रहती है, अभी भी चल रही है हमारे पास ना, चार पांच गाड़ी लाइनअप है ठीक है। अच्छा मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दो चीज़ और पूछ लेता हूँ, जैसा आपने ये टाइप वन टाइप टू रही होगी ये भी, आप टाइप टू को आपने रेजेंडर में कन्वर्ट कर दिया ठीक है, ऐसे आप कौन कौन सी गाड़ियाँ और कर सकते हो? हम कर रहे हैं क्रिस्टा ठीक, इनोवा क्रिस्टा और स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इन स्कॉर्पियो जो फर्स्ट वाला उसका वो था, मतलब स्कॉर्पियो नई वाली मिली ठीक है, S11 ला सकते हैं, S11 भी इधर ला सकते हैं। उसके अलावा जो इनोवा 2007-05 मॉडल है क्रिस्टा बना देंगे ठीक है। तो भाई अगर किसी को भी करवानी होगी तो एमपीए से कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप, पूरी बातचीत कर लेना फिर शूट कर लेंगे ना। चलो एंडीवर हम कर ही रहे हैं, अभी एक और अपनी रैप्टर बन रही है ठीक है, ठीक मतलब बहुत जल्दी दिखा देंगे। चलो इसके बाद आपको रैप्टर भी देखने के लिए मिलेगी, ऑलरेडी हम डाल भी चुके हैं, और भी काम हो रहा है इस वाली में। हाँ तो भी यहाँ अब अपनी फॉर्च्यूनर वापस आए थे, तो भी फ्रंट से आपने क्या क्या चीजें चेंज करी है इसके अंदर? सारी लुक्स ही चेंज करी है ठीक ठीक ठीक। मैं आपको बता दूं सिर्फ बोनट जो आता है ठीक, ये हमने चेंज करा है। इसमें बोनट में आपने पहले देखा होगा स्कूप होता है, स्कूप होता है हाँ, वो हटा दिया यहाँ। सही कह रहे हो, लेजेंडर में नहीं आता, लेजेंडर में आता ही नहीं, आपने उसको वही कर रहा है ठीक। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने इसका बोनट चेंज किया है तो लोग हमारे कमेंट करते हैं वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में भी कमेंट आते रहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ता है क्या? टोयोटा का ओरिजिनल बोनट है। हाँ सही बात है, टोयोटा का ओरिजिनल बोनट है जो आता ही है, सेम वही आता है। तो आपको भाई बिल्ड क्वालिटी भी वही चीज मिल रही है यहाँ पे ठीक है ठीक है। उसके बाद ये बम्पर भी आपने पूरा चेंज करा हमने, लेजेंडर वाला ही बम्पर है, लेजेंडर वाला ही बम्पर यहाँ पे जो इंस्टॉल किया गया है पूरा। अब ये इसके अंदर जो प्रॉब्लम देख रहे हैं में नहीं आते, ये हमने इसमें ब्लू कट वाले प्रोजेक्टर्स लगाए हैं। हाँ बिल्कुल, जीरो फिटमेंट के जीरो फिटमेंट जाते हैं, देखो यार अंदर से प्रॉपर कहीं भी आपको कोई गैप नहीं नजर आएगा। हाँ बिल्कुल भी गैप नहीं है इसके अंदर, कहीं गैप नजर नहीं आएगा बिल्कुल। ये देखो उसके अंदर उंगली जाने का भी, ये देखो उंगली का भी गैप नहीं है, कहीं भी बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगा यार जगह बची हुई है, गैप है कुछ नहीं है ऐसा। सही में हाँ, और आपको लेजेंडर में भी हम लगा देते हैं, जो कस्टमर हमारे पास लेजेंडर ला रहे हैं हाँ, या जो सिग्मा मॉडल ला रहे हैं ठीक, उसमें भी हम चीज लगा रहे हैं H2H फिटमेंट के साथ, H2H फिटमेंट के साथ, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। यूजुअली मैं देखता हूँ कि छोटा सा प्रोजेक्टर आता है, वो तो कैंडल है, कैंडल टाइप का शूट रहता है, और इतनी बड़ी गाड़ी के लिए कैंडल शूट करती भी नहीं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने, आपने यहाँ DRLs भी यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए जो आते, हाई बार ऑन कर दो भैया, जो आते ही है हमारे लेजेंडर में। ये देख लो अभी ऑन हो गई, ये हो गई ऑन हमारी DRLs, तो ये DRLs भी अपनी यहाँ पे हो गई है ऑन ठीक है। मतलब बम्पर तो हो गया चेंज, बोनट भी चेंज हो गया, हेडलैम्प भी चेंज हो गया, पूरी पूरी हेडलैम्प चेंज है यार, लेजेंडर वाली ही है ये भी, लेजेंडर वाली ही है हमारी। मतलब ये है कि कुछ भी चीज़ आपने ऐसे नहीं लगाया कि अलग से आफ्टर मार्केट है, सब लेजेंडर वाली चीज़ यहाँ पे लगी है। साइड प्रोफाइल पर आते भैया, यहाँ पे आपने फेंडर जो चेंज किया है क्योंकि इसके अंदर मोटी ग्लाइडिंग आती है, इस जगह में इतनी मोटी ग्लाइडिंग आती है जो हाँ, पुरानी वाली फॉर्च्यूनर में आती है ठीक 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 ठीक, इसमें नई वाली फॉर्च्यूनर लेजेंडर में जो आ रही है वही लगाई है, वही लगाई है ठीक है। तो मतलब ये फेंडर पूरा चेंज हुआ है भैया, टोयोटा का ही है, टोयोटा का लेजेंडर का ही फेंडर है। ये चीज़ थी इसके ऊपर क्या पहले से? इसमें हम पुरानी वाले में भी लगाते थे ठीक, हम फेंडर पे तो कहते हैं, बट हमने इसमें भी लगाया है ठीक, मतलब रिक्वायरमेंट के उसके ऊपर है, सुंदर भी लगता है ठीक ठीक ठीक, साइड्स के लिए होता है ठीक ठीक। वैसे अब एक चीज और बताओ, साइड मिरर में भी हमने चेंजेस करे? साइड में हमने न्यू शेप वाले के लगाया है, देख लो भाई ये इसकी कमेंट बहुत आती थी कि भाई आपने ये क्यों चेंज किया, एक वीडियो हमने बनाई थी स्टार्टिंग में उसमें हमने ये चेंज नहीं किया था, तो उसके बाद से हमने जो है इस चीज पे ध्यान दिया है, कुछ एनहांसमेंट होती है। हाँ अभी आपको एक और चीज भी दिखाएंगे, एक और चीज पीछे एक और गाड़ी नजर आ रही है मेरे को, ये रेडी करी है, ये भी लेजेंडर, उसमें हम आपको स्टीयरिंग भी लगा दिखाएंगे ठीक ठीक ठीक, न्यू शेप का न्यू शेप का लेजेंडर का स्टीयरिंग भी लगा के दिखाएंगे। अच्छा ये हो गया अपना, इसके नीचे मैं एक कैमरा देख पा रहा हूँ, 360 डिग्री कैमरा लगाए हमने इसमें, 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर इंस्टॉल किया, आगे बम्पर में भी है ना, अरे हाँ कम मिस कर गया इसका मतलब, ये रहा यहाँ पे लगाया हुआ है, मतलब चारों तरफ कैमरा, इधर लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है, यहाँ पे भी आपने जो है कैमरा की प्लेसमेंट की हुई है, ये देखो मतलब चारों तरफ कैमरा ठीक है, जैसे आजकल आ रहा गाड़ी हाँ जैसे आ ही रहा है 360। अच्छा हाँ भैया साइड प्रोफाइल में देखता हूँ ग्लाइडिंग बहुत मोटी आती है इसकी, इतनी बड़ी आती है हाँ, इतनी बड़ी ग्लाइडिंग आती थी, गायब सारी, नया ही कराएंगे ठीक है। तो आपने और ये इसमें जो आपने लगाई जो अब फॉर्च्यूनर आ रही है वो लगाई है राइट,
ये सही है, पूरा अपडेटेड है मतलब मामला, ठीक है। मोटराइज स्टेपर भी, मोटराइज स्टेपर, गेट खोलो भैया, ये देखो भैया, जब डोर ओपन करेंगे ये ओपन हो जाएंगे, ठीक, जब डोर क्लोज करेंगे क्लोज, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे यार, ये तो बड़ी सही चीज़ है यार। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, हमने हमने आपको जो आउटर में करा, हमने इसमें अलॉयज भी डाले। अच्छा, अलॉयज भी डाले इसके अंदर, ये लेजेंडर वाले नहीं है, हाँ ये 2018 वाले मॉडल है, मतलब जो कस्टमर को चाहिए सब चीज अवेलेबल, ठीक है, अगर लेजेंडर वाले चाहिए तो वही भी लग जाए। चलो देख भाई, पूरे प्रॉपर टोयोटा के ही है, देख लो पास से रिकॉर्ड कराया तो। चलो और आपको एक और बात बता दूं, ये यूज्ड नहीं होते, ये न्यू है। अच्छा, न्यू है पूरे, कोई यूज वूज का सीन नहीं है, प्रॉपर न्यू, ठीक है भाई। रूफ रेल्स वगैरह देख पा रहा हूँ मैं, ये देखो भाई न्यू शेप वाली रूफ रेल्स के अंदर भी इंस्टॉल की गई है, रूफ रैप करा पूरा ब्लैक करा हमने सारा, जैसे लेजेंडर में आती ही है, ठीक है भैया। अगेन ये भी आपने पूरा छोटी कर दी, ग्लाइडिंग छोटा कर दिया, मतलब ये है कि पूरी गाड़ी रेडी कर दी है। अच्छा भैया, जैसे हम पीछे आ रहे हैं इसकी रेयर प्रोफाइल पर आई जाते हैं एक बार, ये भी पूरा आपने कस्टम रेडी कर दिया है, बंपर देख लो भाई पूरा, रिफ्लेक्टर भी वैसे लगे हुए सेम जैसे लेजेंडर में, हाँ, और नीचे पूरी स्कर्टिंग ब्लैक बिल्कुल जैसे आती है, और ऊपर लेजेंडर का लोगो भी है भाई, ये देखो लेजेंडर का लोगो भी है, हाँ इसको भी ऑन करके दिखा दो एक बार, ये देख लो ये भी फुल लाइट ऑन जो है इसकी होती है, देखो क्या लग रही है, सही लग रही है ये भी आपने, और प्लस की एक तो उसकी आपने डिग्गी पूरी रेडी करी है, पूरी करी है, ठीक है, उसके बाद जो है ये टेल लैंप भी यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है, हाँ ये भी पूरा पॉइंट टू पॉइंट रेडी, ये देखो यहाँ से पूरा टेल वहाँ तक पूरा प्रॉपर इसको भी रेडी किया है भैया ने, ठीक, एक डेढ़ महीना लगना वर्थ है, टाइम लगता है यार, काम है, हाँ, और गाड़ी के अंदर भी देख लो इससे कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ये देखो अंदर, और अब बाहर बज रहे ढोल, अंदर चले गाड़ी के, गाड़ी के अंदर चलते हैं दिखाते हैं आपको इसके अंदर हमने और क्या है काम किया। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी में स्विच कर लिया, ठीक है, हाँ जी। तो पहले तो आप मुझे हेड यूनिट से शुरू कर लो, पहले तो मैं आपको इंटीरियर से शुरू करूंगा, इंटीरियर शुरू करो, सारा बेज होता है ये, ठीक है, हाँ सारा बेज होता है, हाँ। सारी गाड़ी बेज होती है, बेज होती है। डार्क कलर कोला कलर टाइप होता है, हाँ हाँ, डार्क ग्रे टाइप कह लो जो भी कह लो, ठीक ठीक ठीक, इसको हमने ब्लैक एंड टैन में कॉम्बिनेशन दिया सारा, ये देखो पास से ये ऊपर का पोर्शन पूरा ब्लैक में कर दिया, इवन पिलर्स भी आपने ब्लैक कर, हाँ जी, ठीक है, और ये नीचे देखेंगे पूरा टैन में कर दिया जी, ये पूरा थोड़ा टैन में रेडी है, प्लस जितना भी आपने अपर बॉडी पार्ट है उसको ब्लैक में रखा, हाफ गाड़ी ऊपर की हमने ब्लैक कर दी है, वैसे यूजुअली भी ब्लैक ही सही रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता, हाँ है ना, इस वजह से डार्क टोन होनी चाहिए, डार्क, हाँ वो इतनी, तो अदरवाइज अगर लाइट रखोगे तो रिफ्लेक्शन मारेगा, हाँ ना, अगर फ्रंट भी रखोगे फ्रंट पे रिफ्लेक्शन मारने के चांस होते हैं, और ये पूरा आपने डोर पैनल रेडी किया हुआ है सॉफ्ट टच के साथ, वुडन किए हैं, ये देखो वुडन तो बहुत अलग ही तरह पे किया हुआ है, कार्बन वुडन जो कार्बन वुडन, ये देख लो भाई कार्बन वुडन, और गेट आपने अगेन फिर से नीचे टैन कलर में रेडी, ये देखो ये होती है कोटिंग, ये होती है अपनी लेदराइट कोटिंग, है ना भैया, लेदराइट कोटिंग, ये लेदराइट कोटिंग है बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट एकदम ओईएम जैसा ही दिखता है, बिल्कुल जैसा ओईएम होता है वैसा ही वही है, अच्छा वही चीज हमको हमने यहाँ पे की है, हमने वही करी है, ठीक है, और एम्बियंस लाइट भी बहुत अच्छी लग रही है, एग्जैक्ट लगाती है, बहुत अमेजिंग लग रही है यहाँ पे, मल्टी कलर वाली होती है, हाँ ये फोन की ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, और भैया जो आपने फ्रंट पे हेड यूनिट लगाया इसके साथ भी आपने वो चीज करी है, हाँ इसमें भी वही प्रॉपर वुडन कार्बन वुडन आपने इसमें भी किया हुआ है, सही लग रहा है काफी ज्यादा डिफरेंट चीज है, स्टीयरिंग में भी आपने जो है वुडन प्रॉपर किया हुआ है, बाकी इसमें भी आपने रैप किया है, हाँ रैप तो करा ही है, साथ में वुडन इधर भी करा है, कार्बन वुडन इधर भी करा है, मतलब नीचे भी करा है यहाँ पर, यहाँ पे भी किया हुआ है, हाँ जी अच्छा भी लग रहा है काफी, ये देख लो ये है कि मतलब स्टीरियो का फ्रेम है, हाँ फेशिया जो उसमें भी करा हुआ हमने, ठीक, और ये साथ में गियर के पॉइंट्स पे भी किए हुए हमने, मतलब एक गाड़ी को रेडी करने के लिए बहुत सारा टाइम और दिमाग मेहनत चलने लगती है, हाँ और भैया इंटीरियर पे कितना टाइम लगा था आपको, हफ्ते में एक हफ्ता भर चाहिए, ठीक है, अच्छा ये पूरे टैन वैन में करा आपने, ये पूरा पहले सब टैन करा, सब ब्लैक बेज आता है, ये बेज आता है, सारा बेज आता है, मतलब सबसे अच्छा लगता है बेज का, जो इसमें कलर करते हैं ना, मतलब कोटिंग करते हैं, हाँ उसकी फिनिशिंग, हम इसकी वारंटी देते हैं 5 साल, अच्छा 5 साल की वारंटी भी रहती है, अच्छा ऐसे तो इन्हें पपड़ी बन के निकल जाएगा, वारंटी है, वारंटी है, जैसे हेड यूनिट है हमारा, थोड़ा डिटेल में हेड यूनिट के बारे में समझा दो हमें थोड़ा, हमने इसमें ड्रिवन का हेड यूनिट लगाया, ठीक, विद 360 डिग्री कैमरा, ये देखो भाई 360 डिग्री कैमरा, ये पीछे ये पीछे है, हाँ फ्रंट है, ये फ्रंट साइड फ्रंट है, बॉक्स रखे हुए वो वाले, ये रे बॉक्स है, भैया चल गए साइड से, देख रहे हो आगे आ गए, और ये साइड से भी चल के गए थे अभी, तो वो भी नजर आ रहा है, ये हमने मैं आपको दिखाया जैसे रनिंग कार पे अपने चलाना हो, हाँ तो वैसे तो हमने बैक गियर डालोगे, हाँ बैक गियर डालते रेयर का ऑन हो जाएगा, ये देखो मेन स्क्रीन पे, ठीक बैक गियर डालती
10 सेकंड के लिए फ्रंट का कैमरा ऑन, फ्रंट कैमरा ऑन है। ये देखो डब्बे नजर आ रहे बाहर के। हां जी ये देखो भैया जी हमारे जा रहे हैं साइड से। वेपर कैमरा खोलना, ये पीछे साइड से निकल गए, फिर ये पीछे से क्रॉस करके चले गए। ये सही है, मतलब कैमरा इज लाइक की 360 डिग्री कैमरा, तभी कामयाब है जब प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड है, नहीं तो कोई फायदा नहीं इसको लगाने का। समझ भी नहीं आता होगा फिर तो। पता लगता है यार वो तो लगे हुए सिर्फ 400 पीसेस लगे हुए, क्योंकि मैंने एक दो गाड़ियों में देखा है लोगों की, मेरे को समझ ही नहीं आया इन्होंने 360 डिग्री कैमरा कैसे लगा रखा है। प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड, अगर प्रॉपर्ली कैलिब्रेट होगा तो इस तरीके से अच्छे समझ में आएगा ना। चलो ये हो गया 360 डिग्री कैमरा। एड ऑन करा जो हमने करा, इसमें पुश स्टार्ट बटन लगाया, पुश स्टार्ट बटन लगा दिया, चाबी का सिस्टम गया खत्म। एक बार दिखाना भी, ये देखो जी यहाँ पे, ये देखो हमने पुश स्टार्ट लगा दिया है। ठीक ठीक ठीक, जैसे फैक्ट्री फिट आता है। ठीक ठीक ठीक, मतलब जैसे फैक्ट्री फिट आता है वो। हाँ जी, इसी से गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी। देखो बंद हो गई, ये स्टार्ट हो गई, ये बंद हो गई, ये ब्रेक दबा के स्टार्ट है। ये सबसे बढ़िया, सही चीज कर दी आपने। डिफरेंट चीज करेंगे कुछ ना कुछ यार, तभी चलेगा। ये डिफरेंट चीज थी बहुत ज्यादा। अच्छा ये जो पुश स्टार्ट है सारी गाड़ियों में हो जाता है? हाँ हाँ, किसी भी गाड़ी में करा लो, मतलब चाबी है तो मतलब करवा लो। हाँ जी, मतलब चलो ये मेरी गाड़ी में हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। कलर तो आपने सारा गाड़ी का देख लिया, नीचे टैन ऊपर ब्लैक, लेकिन पिलर भी आपने ब्लैक करे, ब्लैक करे, रूफ ब्लैक करी, रूफ ब्लैक है। रूफ पे तो आप आया, देखो पूरे स्टार पीछे तक नजर आ रहे हैं। क्या चेक करें, स्टार लाइट भी इसके अंदर लगाई है? बिल्कुल लगाई है। तो अच्छा भैया, ये जो स्टार लाइट लगाई है आपने इसके अंदर, ये मतलब कलर भी चेंज करते हैं राइट ऐप से? ठीक है, करके दिखा दे तो एक बार। तो ये देख लो ये कलर, लेकिन वाइट अच्छी वाइट ही लग रही है भाई, व्हाइट कलर में ये सूट कर रही है बहुत ज्यादा। ये देखो लाल हो गई, हाँ ठीक, लेकिन व्हाइट ही अच्छे लगते हैं, व्हाइट अच्छे लगते हैं मेरे को तो। व्हाइट भैया मेरे को व्हाइट पसंद आते हैं, व्हाइट में शूट कर लेते हैं। ये भी आपने पूरा पोर्शन भी ब्लैक किया हुआ है ना? बिल्कुल करा जी। मतलब ये है कि ठीक है, मतलब आपने 1.5 महीने लिया है तो गाड़ी में है वो चीज, टाइम लगता है, लगता ही है। हाँ भैया, एक बार हम अपने सीट पे भी आए थे, सीट कस्टमाइज्ड है हमारी, कस्टम सीट्स देख लो, और जो कार एवन सीट्स रेडी होती है उसमें आपको कार एवन का लोगो भी मिलेगा, लोगो ही मिलेगा आपसे। ये देखो ये रहा, पीछे की सीट से भी चेकआउट कर लो, बहुत अच्छी लग रही है। बर्फी मतलब इसको बर्फी स्टाइल बोलते साइड पीछे। हाँ जी हाँ जी, जो मर्जी कह लो, डायमंड कह लो, बर्फी कह लो, बर्फी कह लो, हाँ लेकिन अलग अच्छी रही है जो भी कहो। भैया फ्लोर भी कुछ किया हुआ है? फ्लोर मैटिंग डली है, मैट 70 मैट डले है इसके अंदर राइट। चलो इसका भी कारपेट ठीक था नीचे का पूरा? कारपेट हमने चेंज कराया, कारपेट भी चेंज करना पड़ा इसका। मतलब गाड़ी इसका मतलब काफी बुरी हालत में थी जिस हिसाब से आपने काम किया। 8-9 साल पुरानी गाड़ी है ये भी, अगर मेंटेन ना करो तो फिर गाड़ी की। हाँ जी यार, न्यू लुक्स में लाना है तो डिफरेंट चीज तो करनी ही पड़ेगी। मतलब सर तो देखो ना कितना ज्यादा चेंजेस कर रखे भैया, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं चेंजेस। गियर नोब पे भी आपको ये चीज, ये छोटी छोटी चीजों भैया ने काफी अच्छे से ध्यान रखा हुआ, देख रहे हो काफी अच्छे से ध्यान रखा हुआ गाड़ी के अंदर काम करने का। भैया पूरी वीडियोस हम लोगों ने देख ली है, आपने टाइप 1 टाइप 2 जितनी भी आप कन्वर्ट करते हो लेजेंडर में पूरी कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। लोग आपको 1.5 महीना देते भी है कि आप करो हमारी गाड़ियों को कन्वर्ट। तो अगर इन लोगों को आना है तो कहाँ पे आना है, एड्रेस बताओ अपना। कार एवन अशोक विहार फेज 2 न्यू दिल्ली, ठीक है। और मंडे अपना क्लोज होता है? मंडे क्लोज है, ठीक। तो यहाँ थे विम्पी भैया हम लोगों के साथ, जिन्होंने हमको पूरी गाड़ी के बारे में डिटेल में दिखाया, समझाया, बताया। और ये गाड़ी भाइयों टाइप 1 टाइप 2 में से कोई थी जिसको हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया लेजेंडर के अंदर, ठीक है। आप लोगों के सामने पूरी गाड़ी है, एक्सटीरियर दिखा चुका हूँ, इंटीरियर चेकआउट करवा चुका हूँ। आप लोग सिर्फ एक कमेंट कर देना कि आप लोगों को गाड़ी कैसी लगी। कई भाई बंधु बोलते हैं कि भाई आप स्टीयरिंग चेंज नहीं कर रहे हो, स्टीयरिंग भी हमने चेंज कर दिया पीछे वाली लेजेंडर के अंदर, स्टीयरिंग भी चेंज करा है वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। बाकी अगर आप और क्या क्या चेंजेस चाहते हो हमारी इस वीडियो के अंदर प्लीज कमेंट किया करो। पता क्या होता है, कमेंट करने के बाद हमको खुद को रियलाइजेशन होता है कि यार हमने ये चीज नहीं करी, वो चीज नहीं करी। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कमेंट किया था कि साइड में चेंज नहीं करे, हमको रियलाइजेशन हुआ कि मैंने भैया को बोला भैया साइड मिरर भी चेंज कर सकते हैं तो हमने साइड मिरर भी चेंज करे। अब फिर कमेंट आ रहे हैं भाई अपने स्टीयरिंग चेंज नहीं किया हमने, अब पीछे वाले जेंडर के स्टीयरिंग भी चेंज किया। तो ऐसे धीरे धीरे ना चीजें एनहांसमेंट होती रहती है, आगे आगे बढ़ते बढ़ते चीजें बढ़ती बस चेंज होती रहती है, अच्छे अच्छे, ठीक है। तो वो सजेशन आप लोगों का है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद दैट सेट आज के लिए इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।